हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो। एंड आप सभी के लिए एक अपडेट्स है जो कह सकते हैं कि कल ने मैंने बताया था कि क्या था अगस्त में, मंथ के शुरुआत में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, इसको मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है, बैकएंड में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मार्टी डिगार्मो सर का एक स्क्रीनशॉट है, मतलब ये जो है ये रॉबलिन शो का है। इस रॉबलिन शो में मार्टी डिगार्मो सर ने सुपर चैट दिया था और वहाँ पे एक बात बोला था, वो कह रहा है कि द ऑन पैसिव रॉकेट इज ऑन द लॉन्चिंग पैड्स, वी आर T10 एंड काउंटिंग। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो मार्टी डिगार्मो सर को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि हर एक चीज़ कि मार्टी डिगार्मो के सर के साथ हमारा जो एसर है वो हमेशा फ़ोन पे बात करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनका अलग ही पहचान है एसर के साथ। क्योंकि देखते हो जैसे कि वेबिनार होता है वहाँ पे पहले कौन पोस्ट करता है, मार्टी डिगार्मो सर पोस्ट करके बता देता है या क्रिस जॉनसन पोस्ट करके बता देता है कि मीटिंग होने वाला है, इस तारीख को ये होने वाला है, उस तारीख को ये होने वाला है, ऐसा आने वाला है, तो उन लोगों के पास अंदर के इंफॉर्मेशन रहते हैं। कुछ ऐसे लीडर है जो काफ़ी ऊंचा पहचान है, जैसे मार्टी सर, क्रिसन, इन लोगों के साथ एसर का बहुत अच्छा रिश्ता है, वो हमेशा व्हाट्सएप फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, तो वो जानते हैं एक्चुअली अंदर में कि कौन सी टाइम पे क्या होने वाला, एक अंदाज उनके पास रहता है। इसको छोड़कर अगर बात करते हैं हमने तो नजल सर के बाद आप मत भूलना कि नजल सर ने क्या बोला था। याद है मैंने शायद कल या परसों वीडियो बनाया था, अभी मेरे याद नहीं आ रहा है, तो उस वीडियो में आप क्या देखा था कि एक पृथ्वी से एक आग था और वो जा रहा है, जाके चंद्रमा के साथ पहुंच रहा है, ठीक है, ये देखा था। तो वो क्या था, रॉकेट था, ठीक है, रॉकेट पहुँच रहा है, लॉन्चिंग होगा, नीचे क्या लिखा था, काउंटडाउन लिखा था। यही देखो दोनों को रिलेट कर पा रहे हो, यहाँ पर यही लिखा है कि डॉन वर्सिव रॉकेट इज ऑन द लॉन्चिंग पैड्स। लॉन्चिंग पैड्स को क्या है, लॉन्चिंग पैड्स मतलब जहाँ से रॉकेट छोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, लॉन्चिंग पैड्स कहते हैं, वहाँ पे रॉकेट छोड़ते हैं। जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 छोड़ा था, कहाँ से छोड़ा था, श्रीहरिकोटा से छोड़ा था, तो श्रीहरिकोटा जहाँ पे छोड़ा था उनको क्या कहेंगे, हम लॉन्चिंग पैड कहेंगे, और बाकी जो जा रहा है वो तो रॉकेट है। तो ऑन पैसिव जो रॉकेट है वो लॉन्चिंग पैड पर लाया गया है, ऑलरेडी लॉन्चिंग पैड पर है, अभी छोड़ना बाकी है। एंड काउंटडाउन स्टार्टेड, ये देखो वी आर T10 एंड काउंटिंग, वी आर T10 मतलब T10 मतलब होता है कि 10 से काउंटिंग करना, जैसे कि होता है ना 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे, तो इसको T10 बोलते हैं, T10 काउंटिंग बोलते हैं, तो ये काउंटिंग भी स्टार्ट होगा। तो वी आर T10 एंड काउंटिंग, हम 10 पे है और काउंटिंग कर रहे, तो इसका मतलब क्या है आप ये समझो। इसका मतलब यही है कि एक साथ अंदर की बात थोड़ा थोड़ा हिंट आपको मिल रहा है, ठीक है, जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, इसका मतलब है कुछ होने वाला है बहुत जल्द। जैसे हम समझ पा रहे हैं कि देखो एक बात है कि लोगों ने पूछता है कि देर हो रहा है सर, ये देखो मोहम्मद कमल सर ने आके बताया था लास्ट टाइम जब आया था, शायद उन्होंने क्लियरली बोला था कि देखो ऐसा कुछ टेस्टिंग होता है जो हम एक साथ नहीं कर पाते, ठीक है, जो मान लो सिक्योरिटी का टेस्टिंग हो गया, उसके बाद मान लो वाफरिंग का टेस्टिंग हो गया, उसके बाद मान लो स्टेबिलिटी का टेस्टिंग, कुछ ना कुछ होता है, तो ये जो टेस्टिंग होता है ये सब टेस्टिंग एक साथ हम कर नहीं पाएंगे, ये सिस्टम पर नहीं है कि एक एक करके ही करना पड़ेगा, और एक एक सिस्टम चेक करने के लिए या टेस्टिंग करने के मान लो 3, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन भी लगता है, तो एक टेस्ट खत्म होंगे, दूसरे टेस्ट होंगे, तीसरे होंगे, तो ये करने में वक्त लगता है, तो वही लग रहा है। लेकिन हाँ अभी जो लग रहा है वो कुछ अलग है, कुछ अलग आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जैसे लीडर्स की तरफ से, अंदर नाजल सर की तरफ से, कि कुछ होने वाला है एंड उसका काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया, शायद कुछ दिन के अंदर अंदर कुछ बड़ा कुछ धमाका देखने को मिल जाए। जैसे कि ऑलरेडी टुडे इज 29 अगस्त, मतलब सॉरी 29 जुलाई, माफ़ करना 29 जुलाई, और 2 दिन ही 31st होने में 2 दिन बाकी है, तो
शायद उस हफ्ते की शुरुआत में कुछ अपडेट्स मिल सकता है, ऐसे तो आएंगे ही आएंगे। मुझे जितना लगता है कि ऐसा शायद ऑन पैसिव 360 पे आ सकता है, जो ऑन पैसिव 360 होता है या रॉबलिन शो पे ही आ जाता है। रॉबलिन शो तो हमेशा होता है, हर दिन सुबह में होता है, तो रॉबलिन शो पे ही आ सकता है। तो देखना, आ तो जाएंगे वो लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो बहुत जल्द कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। एंड 29 जुलाई हो चुका है, 30 एंड 30 बस दो ही दिन काउंटडाउन हमारा ऑन पैसिव कॉन्टेस्ट के बजाय। अगर नहीं पार्टिसिपेट किया तो कर लो भाई, आप बहुत ज़्यादा मिस कर जाओगे बहुत कुछ चीज़। एंड शायद एक दो बार कमेंट करने से अगर आपको कुछ चीज़ मिल जाता है, लाखों रुपए मिलता है, तो इसमें तो कोई गुनाह नहीं है या कोई, हम तो देखते ही नहीं है कि ऐसा। अच्छी बात है, एक दो बार कमेंट किया और कुछ मिल गया, अच्छी बात है, तो आप कमेंट कर लो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मत करो। जो लोगों ने शायद मान लो 50 टाइम्स 100 टाइम्स कमेंट कर लिया, सोचा रहा है कि आ जाएंगे, नहीं आएंगे, एक कमेंट इतना बार काउंट नहीं होंगे, ठीक है, YouTube भी रिमूव कर देगा आपको, तो ये सब मत करना। हाँ, एक दो बार कर लिया वो अलग बात है, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहला चीज़ है, ये कमेंट वॉमेंट कर लो एंड नेगेटिव मत हो जाओ, क्योंकि आप लोग 1 साल 2 साल 3 4 साल 5 साल भी है, 4 साल से लोग यहाँ पर रुके हैं। तो जो लोग यहाँ पर रुके हैं वो और 4 साल रुके और 4 दिन रुकना में क्या जाता है, है ना। 4 साल रुके और 4 दिन रुकने में क्या जाता है। तो रुक जाओ, पॉजिटिव रहो, सब कुछ टाइम पे होंगे, विश्वास रखो एस सर के ऊपर। कंपनी कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। हमारा जो चीज़ है वो हम लोग पाने के लिए जो नहीं काम करते वो लोग हमारे लिए ज़्यादा काम करते, इस चीज़ को समझो। और एक बात अगर आपको बताए तो ये रखना याद में कि हाँ, जो हम लोग ना क्या बोलते हैं कि वी आर प्राउड फाउंडर बोलते हैं ना, हम सच में क्या प्राउड फाउंडर की काम करते हैं या नहीं करते। देखो, प्राउड फाउंडर मतलब कि हम कंपनी के साथ हमेशा है, पॉजिटिव है, लेकिन हम ऐसे नहीं करते। आप जाके देखना हम कितना फाउंडर है, बताओ। 14 लाख में मैंने छोड़ दिया कि 4 लाख इनएक्टिव है, मतलब वो उसको छोड़ दो कि हाँ ये 2-3 लाख को छोड़ ही दो कि वो जानते ही नहीं है कि क्या हो रहा है मार्केट में। उनको अगर छोड़ भी दे तब भी तो 11-12 लाख बचते हैं। 11-12 लाख लोगों में आप बताओ कितना लोगों ने वो ऑन पैसिव का वीडियो देखा। आपका याद है वो यूट्यूब का वीडियो का व्यूज़ है 10 लाख 10 लाख 10 लैक्स ओनली। एंड सब्सक्राइब कितना है 4.5 लाख के करीब। एंड कमेंट कितना है 2,80,000 के करीब, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये जो व्यूज़ नंबर एंड कमेंट्स होता है, ये 10 लाख के 7-8 लाख क्यों पहुंच रहा है, क्यों नहीं पहुंच रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 10 लाख व्यूज़ जो है वहाँ 10 लाख वह फाउंडर्स ही कर दिया व्यूज़, तो वो तो नहीं है हमेशा, वो आप भी जानते हो। वो इनमें से बहुत बाहर के लोग हैं, कस्टमर्स ही है, ठीक है, उसको छोड़ दो। अब सब्सक्राइबर का बात करो, अब सब्सक्राइबर तो 10 लाख लोगों में 6-7 लाख तो कर ही सकता है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्यों नहीं किया। अगर एक एक लोगों ने शेयर करते तो कितना ज़्यादा शेयर होंगे बताओ। या कमेंट करना चाहते तो अगर एक एक लोगों ने कमेंट करेंगे तो 7-8 लाख तो ऐसे ही कमेंट हो जाएंगे। तो अगर फाउंडर खुद ही एक्टिव नहीं है, खुद ही फाउंडर जो चल रहा है उनके साथ काम नहीं जुड़ रहा है, ऑन पैसिव के साथ नहीं जुड़ के रहते, तो कैसे बोल सकते हो आप लोग कंपनी क्यों नहीं कर रहे। तो कंपनी का काम सही टाइम पे सही चीज़ कर रहा है, सही टाइम पे सही चीज़ लाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जुड़े रहो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, थैंक यू।